टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि ये जनाब थूक लगाकर बाल काट रहे थे। इनके खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें एक शो के दौरान एक महिला के बाल थूक लगाकर काटते हुए जावेद हबीब नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लिया और आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जयपुर के पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने भी शहर कोतवाली पहुंचकर जावेद हबीब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें जावेद हबीब जो सेलिब्रिटी कहे जाते हैं, बहुत सारे लोग उनका अनुकरण करते हैं, और लेकिन वो उस वीडियो में एक महिला के सर पर ये कहते हैं कि पानी की कमी और थूकते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान है महिलाओं का कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आपके कोई पश्चाताप नहीं है, कोई गिल्टी नहीं महसूस कर रहे हो, बल्कि आप उसमें ये और बोल रहे हो कि मेरे थूक में बहुत जान है। तो सीधे तौर पर ये महिलाओं का अपमान है और इस तरह के व्यक्ति जो इस तरह के करते करते हैं घृणित मानसिकता उनकी दिखाई देती है, और इसीलिए हमने उनके खिलाफ धारा 294 में जो है FIR दर्ज करवाई है यहाँ पर कोतवाली थाने में कि किसी भी महिला के साथ सार्वजनिक रूप से अगर इस तरह का कोई अश्लील वाक्य कहा जाता है, कारकृत्य किया जाता है, कोई गाना गाया जाता है तो वो अपराध है और ऐसे अपराधों पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्तियों को वाकई सबक मिले कैसे सेलिब्रिटी व्यक्ति की, अगर आप भी अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और महिलाओं का ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।